जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। दोस्तों, आज मैं आप सभी के समक्ष श्री विष्णु पुराण अध्याय 1 प्रस्तुत कर रहा हूँ। ऐसे परम भगवान श्री विष्णु जी की कथा का आप आनंद पूर्वक श्रवण कीजिए, आपके जीवन में मंगल ही मंगल होगा। दोस्तों, कमेंट में श्री हरि जरूर लिखना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। आइए श्री विष्णु पुराण अध्याय प्रथम की कथा का श्रवण करते हैं। सूत जी बोले, एक समय प्राचीन काल में मुनिवर पराशर जी निष्कर्मों से निवृत्त थे। तब मैत्रेय जी ने मुनिवर पराशर जी को प्रणाम और चरण छूकर पूछा, हे गुरुदेव, मैंने आप ही के पास आकर संपूर्ण वेद वेदांग और सारे धर्म शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया है। हे मुनि श्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरे विपक्षी भी मेरे लिए यह कदापि नहीं कह सकेंगे कि मैंने संपूर्ण शास्त्रों के अभ्यास में परिश्रम नहीं किया है। हे धर्मज्ञ, हे महाभाग, अब मैं आपके मुखारविंद से यह सुनना चाहता हूँ कि यह जगत किस प्रकार उत्पन्न हुआ और आगे भी दूसरे कल्प के आरंभ में कैसे होगा, तथा हे ब्राह्मण, इस संसार का उत्पादन कारण क्या है, यह संसार चराचर किस से उत्पन्न हुआ है, यह पहले किस में लीन था और आगे किस में विलीन हो जाएगा। आप मुझे यह बताने की कृपा करें कि इस जगत में भूतों का परिणाम, समुद्र, पर्वत और देवता आदि की उत्पत्ति कैसे हुई, पृथ्वी और सूर्य का आधार क्या है, चारों युग का विश्लेषण क्या है, प्रलय किस रूप में होगा, चारों युगों के सारे धर्म, देव ऋषि और राजाओं के चरित्र बताने की कृपा करें, एवं व्यास जी के रचे हुए वैदिक शास्त्र को रचना, ब्राह्मण के वर्ण तथा ब्राह्मणों द्वारा बनाए आश्रमों के धर्म के बारे में ज्ञान दें। मैं आपकी ही कृपा से यह सब जान सकता हूँ। श्री पराशर जी बोले, हे सूत जी, मेरे दादा श्री वशिष्ठ ने इस प्रसंग का वर्णन किया था। यह प्रसंग याद दिलाने के लिए तुम धन्यवाद के पात्र हो। मैंने उस समय पर यह सुना था कि मेरे पिताजी को विश्वामित्र की प्रेरणा से एक राक्षस ने खा लिया है। तब मुझे बहुत क्रोध आया था, इसलिए मैंने उन राक्षसों का वध करने के लिए यज्ञ का आरंभ किया। उस यज्ञ में सैकड़ों राक्षस जलकर भस्म हो गए और यह देख मेरे दादा वशिष्ठ मुझे बोले, इतना क्रोध करना ठीक बात नहीं है। तुम्हारे पिता के लिए जो होना था वही हुआ है, उसमें राक्षसों की कोई भूल नहीं है। इस संसार में कोई किसी को नहीं मारता, सब अपने कर्मों का फल भोगते हैं। क्रोध मूर्खों को आया करता है, बुद्धिमानों को नहीं। क्रोध मनुष्य के अत्यंत कठोर तप का भी नाश कर देता है। महर्षि यह क्रोध का त्याग करते हैं, क्योंकि यह क्रोध की वजह से लोक तथा परलोक दोनों ही बिगाड़ के रख देता है। इन राक्षसों का वध करने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए तुम इस यज्ञ को समाप्त करो। क्षमा देने में ही साधुओं का कल्याण है। महात्मा वशिष्ठ के इस प्रकार पुत्र को समझाने पर मैंने यज्ञ को संपन्न कर दिया और मेरे दादाजी प्रसन्न हो गए। उसके बाद ब्रह्मा जी के पुत्र पुलस्त्य जी वहाँ आए और आसन ग्रहण करके मुझसे बोले, तुम्हारे हृदय में राक्षसों के प्रति वैर भाव था, फिर भी तुमने वशिष्ठ जी के कहने पर उन्हें माफ किया, इसलिए तुम संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता होगे और इतना क्रोधित होने पर भी तुमने मेरा आदर पूर्वक स्वागत किया, इसलिए मैं तुम्हें एक वर देता हूँ। हे वत्स, तुम पुराण संहिता के वक्ता बनोगे और देवताओं की यथार्थ स्वरूप को जानने की शक्ति रखोगे। मेरे प्रसाद से तुम्हारी निर्मल बुद्धि प्रवृत्ति और निवृत्ति के उत्पन्न करने वाले कर्मों से निसंदेह हो जाएगी। और फिर पुलस्त्य जी के वर देने के बाद भगवान वशिष्ठ बोले, यह सब सत्य होगा। हे मुनि, प्राचीन काल में भगवान वशिष्ठ और पुलस्त्य जी ने जो भी कहा था वह सब तुमने मुझे इस तरह सवाल पूछकर स्मरण कराया है, इसलिए मैं तुम्हें वह संपूर्ण पुराण संहिता का ज्ञान दूंगा। यह सृष्टि भगवान विष्णु से उत्पन्न हुई है, इसकी रचना भगवान विष्णु ने ही की है, वह इसकी स्तुति और नय के कर्ता है, तथा यह जगत भी वे स्वयं है। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के पहले अंश में इसका भी विष्णु पुराण अध्याय 1 समाप्त होता है। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।